What's up guys, this is Ayaaz Kicxter, welcome back to another video. Guys, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ guys 900 kick. Guys, cheat 900 kick भी इसे बोला जाता है. और ये guys tricking की बहुत ज़्यादा common kick है. और मतलब ज़्यादातर advanced जो tricker होते हैं, जो professional level के tricker होते हैं, वो इस kick को बहुत ज़्यादा use करते हैं अपने tricking combos में. तो अगर ये kick आपको आ जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी आपके tricking combos में. So guys, let's get started. Let's learn the 900 kick. So guys, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना 900 kick का tutorial. Guys, basically अगर आपको 900 kick सीखनी है, तो आपको 720 kick आनी चाहिए. 720, 540, 360. अगर ये तीनों kick आपको आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. बहुत ज़्यादा आपको help मिलेगी 900 kick में. क्योंकि ये जो kick है, ये इन्हीं दो तीन kicks का formation है. यानी कि ये दो तीन kicks अगर आपको आती होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा easily अपनी 900 kick को सीख पाओगे. तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने 900 kick के स्टेप्स. बेसिकली गाइज इसमें करना क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत से पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है, चीट सेटअप क्या होता है. गाइज चीट सेटअप गाइज वो होता है जिसमें हम लोग वाइंड अप का स्टेप लेते हैं और एक पैर से उछल के किक मारते हैं. यानी कि एक पैर एयर में रहता है और एक पैर से उछल के किक मारते हैं. एक होता है गाइज पॉप सेटअप और एक होता है चीट सेटअप. तो ये जो किक है वो बेसिकली चीट सेटअप में पड़ती है, तभी इसको चीट 900 भी बोला जाता है. मैं 900 बोलता हूँ बेसिकली, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस कि आप चीट 900 बोलते हो या 900 बोलते हो. तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, पहले आपको ये देखना है कि आपकी 720 की किस तरफ जाती है. लाइक मेरी 720 राइट साइड जाती है, तो मेरी 900 भी राइट साइड ही जाएगी. आपको यही पहले दिमाग में लाना है कि आपकी जिस तरफ 720 जाती है, उसी तरफ आपकी 900 जाएगी. तो गाइस बेसिकली अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें हम लोगों को वाइंड अप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से करना. क्योंकि गाइज इसमें हमारी बॉडी जो है एटलीस्ट एयर में 2 से 2.5 बार घूमती है. यानी कि हम लोगों ने ये स्टेप लिया, ये बॉडी घूमी, ये घूम के आके ये किक पड़ती है. तो ऑलमोस्ट ये 2 से 2.5 बार बॉडी जो है एयर में घूमती है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम चाहिए. और मोमेंटम के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा वाइंड अप करेंगे. इसलिए वाइंड अप गाइज आप जितना अच्छा करोगे, उतना ज़्यादा आपको 900 किक में हेल्पफुल रहेगा. तो ये हो गया हमारा वाइंड अप का स्टेप. अब हम लोगों ने वाइंड अप लिया, अब जिस साइड आपकी 720 जाती है, उसी साइड आप लोग ये एक स्टेप लोगे इस तरह से. उसके बाद गाइस ये जो हमारा पैर है 720 वाला, जो ड्रिल थी आपको मैंने 720 वाली ड्रिल भी 720 ट्यूटोरियल बताई, अगर नहीं देखा तो गो अहेड चेक इट आउट. तो ये हमारी ड्रिल थी 720 की. अब उसमें हम लोग क्या करते थे गाइस कि हम लोग अपने नॉन किकिंग लेग पे आ जाते थे और अपने राइट लेग से हुक किक मारते थे. इसमें क्या करना है, जिससे हम लोगों को गाइस हुक किक मारनी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी पे लैंड करें. गाइस ये जो ड्रिल है ये बहुत मुश्किल है कि आप लोगों ने मतलब आप लोग जिससे 720 मारते हो उसी पे लैंडिंग करो ज़मीन पे. तो ये बहुत मुश्किल ड्रिल है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो इसमें करना क्या है, आप अच्छे से वाइंड अप करो, पैर उठाओ और कोशिश करो कि उसी पैर पे लैंड करो जिससे आपकी 720 किक जाती है. और जो इसमें 900 किक है वो अगर आप राइट साइड मारते हो तो लेफ्ट पैर से पड़ेगी, लेफ्ट साइड मारते हो तो राइट पैर से पड़ेगी. गाइज अभी तक के हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अच्छे से वाइंड अप कर रहे थे. और गाइज आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि ये 900 किक मारने से पहले आप अपनी 720 जो है वो परफेक्ट कर लो. क्योंकि अगर आपको 720 नहीं आती होगी तो ये किक में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए 900 किक को सीखना. तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, हम लोग अच्छे से वाइंड अप कर रहे थे. 720 की अभी हम लोग ड्रिल ही लेते हैं गाइस. 720 की ड्रिल क्या होती है, वर्टिकल स्पिन की. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो 720 ट्यूटोरियल देख लो, तो पता चल जाएगा कि क्या होता है वर्टिकल स्पिन. हम लोगों का वर्टिकल स्पिन गाइस कुछ इस तरह से होता है. तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग जिस पैर को एयर में रखते हैं, यानी कि जिससे किक मार रहे थे, अब कोशिश हम लोगों को बस यही करनी है कि हम लोग उसी पैर पर लैंडिंग करें. अगर एक बार हमारी उस पैर पर लैंडिंग हो गई, देन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम लोग अपने दूसरे लेग से किक निकाल दें. फर्स्ट टाइम में आपकी गाइस किक नहीं निकलेगी, सीधा सीधा पैर जाएगा. फिर थोड़ा सा अगर आप चेस्ट को बेंड करोगे तो धीरे धीरे किक भी आने लगेगी. तो सिंपल सी बात यही है, अच्छे से वाइंड अप करिए, 720 की ड्रिल प्रैक्टिस करिए. उसी ड्रिल में गाइस कोशिश करिए कि आप जिस लेग से मतलब 720 की हुक किक मारते हो उसी पैर पर लैंडिंग करो. अगर आप लोगों ने ये कर लिया देन बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. और यही जो 900 किक में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, अगर आपका ये हो गया देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू इन द 900 किक. तो गाइज अब मैं आपको एक बार 900 की प्रॉपर ड्रिल बता देता हूँ, जिसमें मैं एक्चुअली मैं किक नहीं मारूंगा, बस आपको एक बार ड्रिल बताता हूँ कि कैसे हमारी बॉडी स्पिन होके मतलब हमारे नॉन किकिंग लेग पे लैंडिंग होती है. तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. ग
गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे जो ये वाला पैर था वो जमीन पे पहले आया और ये जो पैर था वो पीछे था। अब गाइस अगर आपका ये होने लगेगा 900 किक में, बस समझ लीजिए आप लोगों ने पूरी 900 किक बहुत आसानी से सीख ली। मेन चीज इस किक में बस यही स्पिन होता है कि आपको नॉन किकिंग लेग पे लैंड करना, क्योंकि उसमें बॉडी बहुत ज्यादा बार रोटेट होती है। अब गाइस क्या करना है, हम लोगों की रोटेशन हो रही है यानी कि ट्विस्टिंग हो रही है, हम लोग प्रॉपरली लैंड करे ले रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द किक। तो बेसिकली अब करना क्या है हम लोगों की लैंडिंग हो रही है, हम लोग अब क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हम लोग एक बार सिर्फ पैर को खोल देंगे और एक सीधी सीधी किक निकालेंगे। तो अब मैं आपको गाइस एक और 900 मार के दिखाता हूँ जिसमें मैं प्रॉपर किक नहीं मारूंगा, बस 900 की स्पिन लेके एक किक ऐड करूंगा उसमें, जो कि एक सिंपल सीधी सीधी किक होगी। गाइस आपकी फर्स्ट टाइम में किक में हाइट नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है गाइस, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 900 किक में कि हम लोगों की जब इसमें बॉडी ट्विस्ट होती है तो हम लोगों को अपनी अपर बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, एयर में बिल्कुल स्ट्रेट, ना हल्का सा पीछे बेंड ना आगे हल्का सा बेंड। तो इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज यही है कि 900 के टाइम हम लोगों की अपर बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और जब हम लोगों को किक मारने मतलब हम लोगों की लैंडिंग होने वाली है तब हम लोगों को बॉडी को हल्का सा पीछे बेंड करना होता है ताकि हमारी किक में हाइट आए, क्योंकि अगर हम लोग बेंड नहीं होंगे पीछे की तरफ तो किक में हाइट नहीं आ पाएगी। यही टेक्निक होती है नॉर्मल स्टैंडिंग किक में, मतलब राउंड हाउस किक में हाइट लाने की। मैंने बॉडी पीछे बेंड करी, किक में हाइट आ गई। तो सिंपल सी बात यही है कि हम लोगों को ट्विस्टिंग के टाइम बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, एंड हमारी जब लैंडिंग होने वाली है बॉडी को हल्का सा पीछे बेंड करना है एंड अपनी किक को मारना है। तो हम लोग गाइस क्या बात कर रहे थे कि हम लोग, मैं अभी आपको एक ट्विस्ट करके दिखाता हूँ जिसमें मेरी एक सिंपल किक आएगी जो जिसकी ज़्यादा हाइट नहीं होगी और ना ही उसमें प्रॉपर टर्निंग या राउंड हाउस किक होगी, इसमें सिर्फ मेरा पैर जो है सीधा सीधा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपका जो मतलब पहली बार की 900 होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपका ट्विस्ट होगा और आपकी किक में ज्यादा हाइट नहीं रहेगी, मैक्सिमम गाइस हाइट आपकी वेस्ट कमर तक के आ सकती है। तो बेसिकली अब हम लोगों को करना क्या है गाइस, इसी को हम लोगों को इम्प्रूव करना है। गाइस जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों को ट्विस्टिंग के टाइम बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट रखना है किक में जब ट्विस्ट करते हैं, एंड जब हमारी लैंडिंग होने वाली होती है किक जब हम लोगों को मारनी है तब हम लोग अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे बेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बेंड करेंगे गाइस तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप मत करो, क्योंकि आप गिर सकते हो, क्योंकि इसमें ट्विस्ट ज़्यादा होता है तो बॉडी जो है संभल नहीं पाती है जल्दी, और वो ज़्यादा लीन आप जब ही करो जब आपकी 900 परफेक्ट हो जाए। तो हल्का सा पीछे लीन करेंगे, एंड अभी हम लोगों का सीधा सीधा पैर निकल रहा था। किक निकालने की टेक्निक गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग अपने चेस्ट को अपने किकिंग साइड की तरफ घुमाएंगे। अगर आप राइट साइड मारते हो मतलब लेफ्ट साइड मारते हो तो लेफ्ट साइड चेस्ट, राइट साइड मारते हो मेरी तरह तो राइट साइड चेस्ट। मैंने अपने राइट साइड चेस्ट घुमाया, अपने आप मेरी राउंड हाउस किक आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इजी टेक्निक है किक को मारने की। और गाइस बॉडी हल्का सा पीछे लीन करेंगे, आपकी 900 किक जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ेगी। गाइस अब बात कर लेते हैं, हम लोग ने किक की बात कर ली, हम लोगों ने ट्विस्टिंग की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं गाइस लैंडिंग की, सॉरी 900 किक में। तो बेसिकली लैंडिंग जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत मतलब इजी ही है, लेकिन बस क्या है इसके जो ट्विस्ट के चक्कर में बॉडी जब ट्विस्ट होती है तो एकदम से जब बॉडी लैंड करती है तो संभल नहीं पाती है, वो वही इस चीज़ में डिफिकल्ट है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अच्छा से अच्छा ट्विस्ट करना है, एंड जब लैंडिंग होने वाली होती है तो हम लोगों को अपना पूरा फोकस करना है पैर पे, टाइट रखना है पैर को और संभालने की कोशिश करनी है बॉडी को। अगर आपकी बॉडी आपने संभाल ली देन आपकी लैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर आपने चेस्ट को हल्का सा बेंड किया घुमा दिया आपकी प्रॉपर किक भी पड़ जाएगी। सो गाइस ये थे कुछ स्टेप्स 900 किक के लिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो गाइस अब मैं आपको सारे स्टेप्स जो है 900 किक के एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। गाइस बेसिकली हम लोगों को करना क्या, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाइंड अप करना है, क्योंकि हमारी बॉडी इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा बार घूम रही है, 2 से 2.5 बार बॉडी एयर में घूम रही है, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम चाहिए। अच्छे से वाइंड अप करिए, और वाइंड अप करने के बाद एयर में जैसे ही आप टेक ऑफ करने वाले होते हो हाथों को एयर में बंद कर लीजिए, टाइट कर लीजिए। इससे क्या गाइस क्या होता है, हमारी बॉडी जो बहुत आसानी से ट्विस्ट होती है। गाइस 900 का ट्विस्ट को सीखने के लिए क्या करना है, हम लोगों को 720 के ट्विस्ट की प्रैक्टिस करती रहनी है। 720 का गाइस ये ट्विस्ट होता है, ये वर्टिकल स्पिन वाला, इसकी हमें प्रैक्टिस करते रहनी है और कोशिश करनी है कि हमारा जो किकिंग लेग एयर में होता है उस पर हम लोग एक बार लैंडिंग कर लें। अगर आपकी एक बार भी लैंडिंग उस पर हो गई देन हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपने दूसरे लेग से उसमें एक किक ऐड कर देनी है।
किक फर्स्ट टाइम में आपकी नॉर्मल सीधी सीधी किक जाएगी, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे बेंड करिए, चेस्ट को घुमा दीजिए और आपकी प्रॉपर राउंड हाउस किक जब इसमें पड़ेगी तो आपकी 900 किक देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। गाइज एक लास्ट पॉइंट इस किक का, गाइज आप लोगों को पूरी किक में बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जब आप किक मारने वाले हो, आपकी किक लैंडिंग होने वाली हो किक में, हल्का सा बॉडी पीछे बेंड कर दीजिए, चेस्ट घुमा दीजिए, राउंड हाउस किक मारिए एंड आपकी 900 किक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी कुछ इस तरह से। तो गाइज ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल 900 किक का ट्यूटोरियल, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। और गाइज बहुत समय बाद आज मैंने कोई किक का ट्यूटोरियल डाला क्योंकि पिछले बहुत से वीक्स में, 2-3 वीक्स में मैं फ्लिप्स के ही ट्यूटोरियल डाल रहा था। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है आज स्ट्रिक्ट किंग। गुड लक गाइज, गुड लक विद योर ट्रेनिंग, पीस आउट।